विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और दैनिक हिंदी समाचार पत्र के संयुक्त तत्वाधान में फिल्म फेस्टिवल, पेंटिंग प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, पौधों का निःशुल्क वितरण और विशेषज्ञों द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, अधिष्ठाता छात्र कल्याण रविशंकर सिंह, प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, डॉक्टर उषा सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी एन के जानू, समाचार पत्र के यूनिट हेड हरिओम पांडे सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत उन्हें पौधा भेंट कर किया गया, जिसके पश्चात वक्ताओं ने बीट द प्लास्टिक पॉपुलेशन विषय पर अपने विचार रखे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने वर्तमान समय में प्लास्टिक के थैले का प्रयोग न करने का संकल्प लिया। हिंदुस्तान का केवल अखबार है, बल्कि रह चुके आप सबका, हम सबका। सर 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 श्री एन के जानू साहब, श्री रविशंकर सिंह जी, जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। करके कुछ अधिकारी, कुछ शासन प्रशासन के लोग कुछ सूचित होते हैं, कुछ पहले से ही सूचित रहते हैं। कुछ हद तक अगर हम माने तो हम संवेदनहीनता के स्तर पर पहुंच चुके हैं। वस्तु स्थिति हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक सामाजिक सोच ये विकसित हो चुकी है कि पर्यावरण बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है, इसको खराब करने में बहुत लोगों का योगदान है, तो हम सुधरेंगे, हम थोड़ा सा इसमें कुछ कर देंगे तो क्या होगा, लिहाजा हम कर देंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से कुछ करते हैं। सीधी सी बात है, हम सभी लोग हैं अपने हृदय पे हाथ रख करके सोचे कि छोटी सी सोच कि क्या कोई सामान लाने अगर हम बाजार में जाते हैं तो एक थैला अपने हाथ में लेकर जाते हैं क्या, बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। होगा ये छोटी सी चीज, लेकिन ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। एक आदमी सोचेगा परिवार में, 10 लोग सोचेंगे, पूरा परिवार लेकर के जाएगा, धीरे धीरे उस गांव के लोग सोचेंगे, गांव के लोग सोच करके ये बृहत्तर होता जाएगा। मुझे बड़ा ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता। एक जगह आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली में, एक बहुत पुराना वीडियो है, मैंने देखा था, शायद आप लोग भी देखे होंगे, काफी ट्रोल हुआ था कि कहीं पे वो उद्घाटन करने गए हैं और दीप प्रज्वलन करने के बाद उनको एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसका बड़ा अच्छा सा नाम है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन है वो कागज का टुकड़ा, उससे हाथ पोंछे और अपने कुर्ते के पॉकेट में रख लिए। यही सोच होनी चाहिए मित्रों। हम अगर कोई चीज, जैसा अभी आपने देखा, जिस किसी चीज को अगर हम रीयूज न कर सके उसको यूज न करें। छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस पाठ्यक्रम में आ चुका, इसको समझने समझाने की जरूरत नहीं, जरूरत अब इस बात की है कि हम अपना अपना क्या योगदान करें। एक बात मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आप अगर ध्यान से देखें, भारतीय समाज की चित जो है आध्यात्मिक, थोड़ा सा जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है पर्यावरण को बचाने के लिए वो अपने जगह जरूरी है, उसमें और वृद्धि संवर्धन प्रवर्धन होना चाहिए। लेकिन जरा सा एक हमको जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक चित्त से उत्पन्न जो हमारे
बच्चे पैदा होते हैं बचपन से लेकर के अंतिम संस्कार तक जो संस्कार हैं, कुछ इस तरह से जागृत अपने को करना होगा, परिवार को करना होगा और पूरे समाज को करना होगा कि उस संस्कार से हमको अटैच कर दीजिए। अगर घर में कोई संस्कार होता है तो से कम एक पेड़, अधिक से अधिक 5 पेड़ उस संस्कार से अटैच करके जरूर लगाए अपने परिसर। इस साल का जो थीम है वो बीट द प्लास्टिक। प्लास्टिक प्रदूषण विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आप लोगों का ध्यान, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया है कि हम लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन करना है, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना है। आज हम सब लोग विश्वविद्यालय के अंदर हैं, विश्वविद्यालय चिंतन का केंद्र है, तो जितने यहाँ बच्चे हैं, शिक्षकगण हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी किया जाए कि प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट डेवलप हो सके। मैंने अपने कुछ साथियों से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें जितना प्लास्टिक नदियों जलाशयों के माध्यम से समंदर में चला गया है उसको भी वापस इकट्ठा करके और उसको डिग्रेड करने की मशीनें तैयार की जा रही हैं। प्लास्टिक हम लोगों के जीवन में इतना रचमस गया है कि जब तक इसका कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं होगा, हम लोगों के जीवन से इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने इस वर्ष जो ये ध्यान दिलाया है ये बिल्कुल सामयिक है। आप ये समझिए कि हिमालय की चोटी पर भी प्लास्टिक पहुंच गया है, एवरेस्ट पर भी प्लास्टिक पहुंच गया है। हम लोग अपने ट्यूर्स के अंदर गंगोत्री गए थे, वहां भी प्लास्टिक के अंबार लगे हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि हम लोग इस चीज पे ध्यान दें। तो माँ गंगा हम लोगों की धरोहर सजोने वाली जो नदी है गंगा, उससे हम लोगों का बड़ा पुराना नाता है और इसको स्वच्छ बनाना सरकार का, हम सब लोगों का संकल्प है। इसी अभियान के अंदर गंगा सेवा अभियान में बहुआयामी है, उसमें वृक्षारोपण भी एक कंपोनेंट है। इसके अतिरिक्त और जो 3 योजनाएं हैं, 2 मुख्य रूप से ग्रामीण भाइयों के लिए हैं, मुख्यमंत्री कृषक वृक्षधन योजना जिसमें निजी खेतों पर वृक्षारोपण आप सरकारी खर्च पे करवा सकते हैं, खेत की भेड़ों पर आप तमाम वानिकी प्रजाति के पौधे लगा सकते हैं, और मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना मतलब आप जो फ्रूट स्पेसीज है, फलदार प्रजातियां हैं, वो भी आप अपने खेत खलियान जो आपके गांव में जो भूमि है उस पे लगा सकते हैं। एक तीसरी योजना है मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, गांव देहात में जो स्कूल है, सामुदायिक भवन है और जो उस तरह की जो कम्युनिटी लैंड है उस पर वो योजना चलाई जा सकती है। बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि वृक्षारोपण, वन, जंगल, पानी, इन सब का जीवन से गहरा नाता है। और आज पर्यावरण दिवस पर 4 जून है, कल पर्यावरण दिवस है, परंतु मेरा मानना है हम जब संकल्प कर लें, हर दिन पर्यावरण दिवस है।